अलीगढ़ में राष्ट्रवादी हिंदू संगठन बजरंग बल ने चेतावनी दी है कि नगर निगम निकाय चुनाव में संगठन पैराशूट प्रत्याशी का समर्थन नहीं करेगा। संगठन सिर्फ उसी प्रत्याशी को अपना समर्थन देगा जिसके पास ऐसा मजबूत प्लान हो जिसे वो आगामी 5 साल में शहर का सुनियोजित विकास करा सके। बजरंग बल के संयोजक गौरव शर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा, अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी गलत प्रत्याशी का चुनाव करेगी तो उनको संगठन अपना समर्थन नहीं देगा। उन्होंने बताया कि अलीगढ़ शहर में पिछले 25 साल में किसी भी जनसमस्या का जमीनी स्तर पर समाधान नहीं हुआ है, जिसका मुख्य कारण अधिकारियों की कार्यशैली और भ्रष्टाचार है। अभी तक शहर में कट्टी घर से आने वाली बदबू को रोकने का भी स्थायी हल नहीं ढूंढा जा सका है। वहीं बजरंग बल के संरक्षक अशोक चौधरी ने कहा, संगठन पीएम मोदी और सीएम योगी के मिशन को आगे बढ़ाने में लगा है, इसके लिए जन समस्याओं का स्थायी समाधान होना चाहिए। इस मौके पर रवि राठी, शेखर शर्मा, संजय सिंह, मोनू पंडित, अजय सिंह, राहुल शर्मा, रमाकांत आदि मौजूद रहे। देखिए, प्रेस वार्ता है आगामी नगर निगम चुनावों को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले 25 साल से अलीगढ़ में नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं और 25 साल से अगर जमीन स्तर पर देखा जाए तो एक भी जन समस्या का समाधान आज तक अलीगढ़ में नहीं हुआ है। और उस जन समस्या का समाधान इसलिए नहीं हो पाया है क्योंकि कहीं ना कहीं जो नगर निगम के अधिकारी हैं और जो यहाँ जनप्रतिनिधि नियुक्त होकर आते हैं वो उनकी आपसी कहीं ना कहीं मिली भगत है या कहीं भ्रष्टाचार है। अगर आप देखेंगे, अभी कुछ दिन पहले अलीगढ़ में कट्टी की स्मेल आ रही थी, बदबू आ रही थी। अलीगढ़ जैसे शहर में माननीय योगी जी के शासन में और कट्टी की बदबू आती है तो आप समझ सकते हैं ये बिना भ्रष्टाचार के तो नहीं आ रही होगी। और केवल कट्टी की बदबू नहीं, अगर आप देखेंगे, अगर कोई एक दो पशु घर पर रख लेता है शुद्ध दूध के लिए तो नगर निगम की टीम जाके उसका चालान कर देती है। लेकिन इसी अलीगढ़ शहर में जहाँ 60% लोग मीट खाते हैं, उनकी कहीं भी सैंपलिंग नहीं होती, उनका कोई भी चालान नहीं होता, ना अलीगढ़ की जनता को सर्टिफाइड मीट की व्यवस्था आज तक यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ के नगर आयुक्त कर पाए हैं। क्यों, ये सवाल है। क्योंकि वो इसलिए नहीं हो पाई है क्योंकि कहीं ना कहीं अवैध कट्टी में मुझे लगता है इन लोग का योगदान है। हमारी केवल एक ही मांग है इस प्रेस के माध्यम से, क्योंकि मैं एक राष्ट्रवादी हूं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी और योगी जी के मिशन को आगे बढ़ाने वाला कार्यकर्ता हूं। मेरी केवल यही मांग है कि अब जो चुनाव आने वाले हैं उनमें कोई भी पैराशूट से उतरा हुआ व्यापारी या कोई ऐसा व्यक्ति जो केवल और केवल जन प्रत्याशी बनकर जनप्रतिनिधि बनकर नोट कमाना चाहता है, 50 लाख लगा के 5 करोड़, ऐसे किसी व्यक्ति को वरीयता ना दी जाए। और जिसको वरीयता दिए जाए उसके पास पूरा खांचा होना चाहिए कि आने वाले 5 साल में जो शहर में समस्याएं हैं उन पर वो क्या करेंगे। अगर गलत प्रत्याशी का चुनाव कोई भी पार्टी करेगी तो हमारा उनको समर्थन नहीं है, नहीं है, नहीं है। और लगभग 3650 कार्यकर्ता और उनके परिवार मेरे पास रजिस्टर्ड हैं, उनके रिश्तेदार भी हैं, 20-25 हज़ार वोट हमारे पास हैं। अगर गलत प्रत्याशी पार्टियाँ चयन करेंगी तो फिर हम जिता तो नहीं सकते लेकिन हराने की स्थिति में तो है ही, जो हम चाहते नहीं हैं। हम तो यही चाहते हैं मोदी जी और योगी जी का रथ आगे चलता चले और जो बलिदान उसमें हमें देना है हम देने को तैयार हैं, लेकिन भ्रष्टाचार अब बर्दाश्त नहीं। विचार हमारे बिल्कुल स्पष्ट हैं, हम योगी और मोदी जी के मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो राजनीति में शुचिता लाना चाहते हैं, ईमानदारी लाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर ये भ्रष्टाचार बना हुआ है और जन समस्याएँ बढ़ती जा रही हैं, आबादी भी बढ़ती जा रही है। हम जब समस्याओं का स्थायी और प्रभावी समाधान चाहते हैं और इसलिए चूंकि अभी तक उम्मीदवार प्रत्याशी घोषित नहीं हैं तो दल गंभीरतापूर्वक राय हमारे जो नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का या किसी भी पार्टी का वो गंभीरता से प्रत्याशियों का चयन करे। अगर गंभीरता से प्रत्याशियों का चयन नहीं होगा और पैसे के आधार पर या अन्य आधारों पर प्रत्याशी तय किए जाएंगे तो हम गंभीर निर्णय लेंगे, कठोर निर्णय लेंगे और उसका जो भी खामियाजा होगा वो फिर भविष्य में उसको देखा जाएगा।